योग ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। भगवान पर विश्वास करने से नुक्ते ऊपर रिच जाएगा, अरे करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारी। इस जन्म में आपने सारा सुख भी देगा और मोक्ष भी देगा, पर इस माया को दुरुपयोग, इसके ऊपर आसक्त ना हो जाना, नया लेकर डूब जाएगी आपको। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, माया दासी संत की ओ भई दे आशीष, बिलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। जिसको अपना प्रयोग करे ढंग से। अब क्या बताते हैं, धर्म राय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक ए निकम्मी आत्मा, ए निकम्मे, जैसे ने कहा करे ना बड़ा अफसर छोटे को, खबरदार देते ने ऐसा कर दिया तो कहता है जी सर, अक नहीं जी ऐसा नहीं करूँगा। तो धर्मराज को, यहाँ के चीफ जस्टिस को, इस ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को कबीर परमात्मा ऐसे डांट लगा रहे हैं। और वो क्या कह रहा है, बोले पुरुष कबीर से धर्म राय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मुझे दुआ ही लाख करोड़। आपके हंस ने नहीं पकड़ू दाता। फिर क्या बताता है कि जिन्होंने आपकी शरण में आने से पहले जो पाप इकट्ठे कर रखे हैं, ये परमात्मा उनके आधार से तो मैंने उनको दंडित करना पड़ेगा, मेरा विधान है। तब परमात्मा ने कहा था, कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं ने से, जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पे से। मेरे हंस का तू लेखा जोखा मत कर देना, जिसने तेरे उनके जो पहले किए हुए पाप हैं एक मिनट में सब नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने घास। लाखों टन घास पड़ा हो सूखा, एक माचिस की सीख जला कर लगा दो, सारे को फूक के ड्राख बना देगी, चलेगी आंधी तूफान, साफ हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं, मेरे हंस की जो पहले के कर्म हैं तेरे अकाउंट से मैं खत्म कर दूंगा। क्या बताते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमारे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अपना आत्माओं, आप धीरे धीरे समझ जाओगे, अभी तो बच्चे हो, कोई पहली कक्षा का है, कोई दूसरी कक्षा का, किसी ने आज प्रवेश ही पाया है, और जो पुराने हो गए उनके तो हृदय में दास जो वचन बोलता सारी 100% सत्य सिद्ध होते हैं, स्वीकार्य होते हैं, आपको भी हो जाएंगे। यो ज्ञान आज तक आपने सुना है को नहीं है, पूरे विश्व में ज्ञान नहीं। अब क्या है, ये है वो प्राइम टाइम मोक्ष का और भक्ति यथार्थ कराने का। आपकी अब परमात्मा के बच्चों से परमात्मा ने अब भक्ति करानी है। पूरे विश्व के प्राणी जो मनुष्य शरीर धारण करते रहेंगे उनको ये सतनाम मिलता रहेगा, और इसी से मोक्ष होना था, ये अभी तक छुपा रखा था। ये सतनाम आज तक इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिन्होंने सीधे भगवान मिले थे उनको दिया था सतनाम, जाप भी दिया था, सारनाम भी बताया था, लेकिन उनको आगे देने को मना कर दिया था, किसी को जिक्र भी नहीं करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी। ये बिचली पीढ़ी आ गई, प्रथम पीढ़ी थी जो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, और ये बिचली पीढ़ी अब हजारों वर्ष चलेगा ये सतमार्ग, और पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल बनेगा। इस माया की दौड़ से वापस हटेंगे, प्यार से रहा करेंगे, सबको पता चल जाएगा हम कहाँ बैठे हैं और के इकट्ठा कर रहे हैं। जब भगवान को खोजते किस लिए हैं, कि वो हमें सुख दे, हमें निर्धन को धनी करे, तो फिर ये भगवान मिल गया क्यों ना करेगा, वो गुण उसके अंदर विद्यमान है, तो फिर हमें विश्वास होगा। रोज सुख होंगे तब विश्वास भी होगा, सुख जब होंगे, जब हम दृढ़ रहेंगे, भगवान को छोड़कर अन्य किसी की उपासना नहीं करेंगे, नियमित रहेंगे, सारे सुख आपको डेली दिया करेगा, न्यारे न्यारे पल पल पर आपको दिखाएगा कि ये मैंने सुख दिया है, ये मेरा किया हुआ काम है, तुम्हारा यहाँ पृथ्वी पर नहीं हो सकता था। तो फिर क्या होगा, तो ये वो समय है, और इस समय में आपको वो तीनों टाइप का
कंप्लीट कोर्स मिल गया। प्रथम मंत्र, फिर वो सतनाम दो अक्षर का, फिर सार शब्द, वो सार नाम बाद में दिया जाएगा आपको जब आप योग्य हो जाओगे। अब तो दास इसलिए थोड़ा सा समय अधिक ले रहा है इस सार नाम के देने में कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि एकाधा दुष्ट व्यक्ति इस प्रारंभ में एक दो यहाँ से छोड़ गया, तीनों नाम ले गया, और फिर वो एक कहीं आप ना देने लग जा, को अधिकारी तो है ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा डिले कर रखा था कि इनको पूरा विश्वास हो जाए धीरे धीरे दो तीन चार वर्ष के बाद देता हूँ। आने वाले समय में जब पूरे विश्व में एक रस हो जाएंगे, अब जैसे चार महीने के बाद सतनाम दिया जाता है और फिर एक वर्ष के बाद आपको सारनाम दे दिया करेंगे और पहले भी समय रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये बहुत सारा काम सुचारू और सुनियोजित तरीके से परमात्मा करे। तो अब जो आप पार हो जाओगे, आप तो गए सतलोक में, और जो पार नहीं होंगे, जो पार नहीं होंगे वे महामार खाएंगे। वो कैसे मार खाएंगे? जैसे आप प्रथम मंत्र जाप करते हो जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट मंत्र छोड़कर बीच के पांच मंत्र हैं, ये यहाँ के इन प्रधानों की मजदूरी है, इनके सत्र का ये भक्ति धन है। तो इस जैसे गणेश जी का मंत्र आपको दिया जाता है, विष्णु जी का, लक्ष्मी जी वाला मंत्र दिया जाता है, और इस सावित्री ब्रह्मा जी वाला और शिव और पार्वती वाला, दुर्गा वाला, ये मंत्र आपको दिए जाते हैं। इनके कुछ अंश तो आपको यहीं पर यहाँ मिलते रहेंगे, देंगे यही, लेकिन देंगे आपके इस भक्ति के धन के प्रतिफल में। फिर आपके पास इनके अकाउंट में, इनके बैंक में घना धन बच जाएगा आपका, पार नहीं हुए थे। तो फिर ये क्या करेंगे, पहले आप जाओगे गणेश जी के लोक में, वहाँ अपना सारा पुण्य उसके सत्र का खत्म करके फिर आपको भेजेगा ब्रह्मा जी के लोक में, वहाँ देवता बन जाओगे, वहाँ पुण्य खत्म करके फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के उस मंत्र का कमाई आपकी खत्म हो जाएगी, फिर जाओगे शिव के लोक में, वहाँ गण बन जाओगे देवता, स्वर्ग में, वहाँ स्वर्ग है उनके अलग से रेस्टोरेंट है, और वो आपसे चार्ज करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट वाला किराया नारा लिया करे और खाने का नारा उसमें दुगुना तिगुना जोड़ के आपसे लेता, ऐसे वहाँ ये रेस्टोरेंट इनके। फिर वहाँ ख़त्म होने के बाद दुर्गा जी के लोक में, वहाँ देवता बनोगे, और जब आप हो जाओगे कंगाल, आपको नरक में, नरक से पीछा छुटकर फिर आपको पृथ्वी पर कई हजार वर्षों तक, और फिर सतनाम का जो रह गया और सार नाम की कमाई आपको मिल गई, वो नहीं पार हुई, ये नहीं है कि सार नाम मिल गया पार हो गए, अंतिम सांस तक मर्यादा में रहोगे तब पार हो गए। तो फिर उन कुछ के लिए इस काल ने क्या कर रखा है, इस ब्रह्मलोक के अंदर एक ब्रह्मांड में नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकेलोक बना रखे, तो आपके उस भक्ति धन को वहाँ नाश करवाता है। तो इस प्रकार वो प्राणी तो हजारों युगों तक नीचे नहीं आओगा, कति चूस के उसको भक्ति धन नष्ट करके थोड़ा बहुत बचे हुए को यहाँ पटक देगा, फिर यहाँ पृथ्वी का राजा बन जाएगा, फिर नरे पाप कमाओगा और फिर गधा बन जाएगा। तो यह विरान मट्टी होगी जो ईब फिसल गया। तो सावधानी बरतियो और चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। अब कबीर साहब कहते हैं के शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो जैसे गलती से कोई रह गया और वहाँ जाकर उसका याद आ गया कि हम तो गलत कराए, गुरुजी बताया करते थे, या तो हमारी पूंजी धन नष्ट होगी, अगर वहाँ भी आप पुकारोगे मालिक को, कहते वहाँ से भी छुटा लाऊंगा तुमको और पुनः फिर भक्ति प्रारंभ करा दूंगा, इतना समर्थ है ये परमात्मा। बोलो सतगुरुदेव। अब आज के जो सत्संग का निष्कर्ष ये है पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। तो समर्थ की शरण में रहना आखिरी सांस तक, आपके 101 पीढ़ी पार होगी, ये लिख लेना बेशक,
बोलो सतगुरुदेव।